प्लीज दोबारा कुछ मत शुरू करना सर। क्यों ना करूं उमर, अब मैं अपनी जिंदगी किसके लिए संभाल के रखूं? तुम्हारे पास कम से कम ये तो उम्मीद है ना कि मोहिनी जिंदा है और कभी भी आ सकती है वो वापस। ये सच है, तुमसे खुला मांगा उसने, शायद इसी शर्मिंदगी की वजह से वो तुम्हें फेस नहीं कर पा रही, इसलिए भाग गई है। तुम्हारी सास का हुक्म है कि चाहे शादी 4 दिन में हो चाहे 1 दिन में, पूरी रस्में होंगी। ये सब सुनाने के बाद तो नमाज जनाजा होनी चाहिए। जहर लगती हो पागलों जैसी हरकतें करती हुई। ये सब अंडरटेकर की साजिश है यार और कुछ नहीं है। और तुझे ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? आई एम नॉट गेटिंग इट। तुम्हें क्या लगता है राहत हाशमी ने जो कहा मैंने फौरन मान लिया? मुझे शौक था मोहिनी को छोड़कर वापस उनकी गुलामी में जाने का, मेरा मोहिनी से कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने यूं ही अपनी जिंदगी बदल दी है। मोहब्बत करते थे तुम उससे? मोहब्बत करता था नहीं, मोहब्बत करता हूँ। उमर ये अचानक चौंक क्यों गए? एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग? नहीं, कार्ड सेलेक्ट हो रहे थे। वो पेपर्स मैंने ऊपर रख दिए हैं, यू शुड साइन देम टुडे। कौन से पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स। मैं इतनी आसानी से उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हारे नौजिया का क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? मैंने सोचा है कि तुम तो डॉक्टर तक नहीं जा सकती, तो डॉक्टर तो घर पर आ सकता है। आपकी बर्तरी मानने से मैंने कभी इनकार किया है क्या? अगर आपको यकीन नहीं आता तो दोबारा बता देती हूँ कि मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं, और आपने तो एक बार नहीं 1000 बार प्रूव किया है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं है। उमर की शादी हो लेने दीजिए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना होगा या डॉक्टर को घर बुलवाना होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अभी शादी का बहुत काम बाकी है, मुझे आराम से कर लेने दीजिए। आप कहीं जा रही हैं? हाँ। कहाँ? बहुत दिन हो गए घर चक्कर नहीं लगा, तुम्हें कैसे पता लगा? सूटकेस बेड के ऊपर रखा रहा। सीनियर हाशमी को नहीं पता? उनसे छुपकर तो नहीं जा सकती? जा भी सकती हैं। मतलब? मतलब ये कि वो तो आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे ना। तुम कहना क्या चाह रही? नहीं, बस मुझे आपके पीछे जो लगा रखा है। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तुम्हें ख्याल रखने को कहा होगा। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? तुम्हारी तबीयत क्या हुआ? यहाँ चाय रखो, जाओ। कमाल है ना मिसेज हाशमी, जिन लोगों को बिना मांगे चीजें मिल जाती हैं उन्हें कदर नहीं होती है, और कुछ लोग सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ते रहते हैं कि उन्हें जीने के लिए 2 सांस ही मिल जाए। देखो जेबुनिसा, मुझे तुम्हारी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मेरे मामलों से दूर हो, वरना तुम जा सकती हो। हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम आपके मामलों से दूर रहें तो आपको यहाँ से जाना होगा। What? हम यहाँ से जाने में आपकी हेल्प करेंगे। आपका सूटकेस हमने अपने कमरे में रखा है, उसमें कुछ भी रखना हो हमें बता दीजिएगा। आई विल गेट इट रेडी फॉर यू। जेबुनिसा तुम हो कौन? जिस दिन हमें हमारी पहचान मिल गई हम ऐलान करके बता देंगे कि छुप छुप के रहने वाली जेबुनिसा कौन है, मगर उस वक्त आप यहाँ नहीं होंगे। अलबत्ता आपको ये यकीन दिला दें कि हम आपकी दुश्मन नहीं हैं।
हाँ वो सब तो हो गया था। हाँ हाँ सही, बस वो फिर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी शाम तक, फिर आपके लिए करवा ली। ठीक है, ओके जी बाय। एक्सक्यूज मी, नुमान साहब आप ही हैं? मैं ही हूँ, आप कौन? ये आपके लिए। हैरत से मर गया यार, अंडरटेकर को पहली दफा देखा मैंने मुस्कुराते हुए। हैरत तो मुझे भी हो रही है, उन्होंने तो बकायदा तुम्हें वेलकम किया है और ये भी बोला कि शादी पे जितने दोस्तों को बुलाना चाहो बुला लो, पार्टी होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तू वाकई सबको बुला ले। मुझे अंडरटेकर ने इजाजत दी है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। सबसे पहले किसको फोन करूं? हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी, कौन है? अली और उमर की दोस्त, उन्होंने बुलाया है, उमर की शादी है ना? हाँ उमर की शादी है जी। दूसरी? पहली? नहीं नहीं अंकल, दूसरी, पहली में मैंने खुद डांस किया था, मुझे याद है। मुझे नहीं याद। आप हैं कौन? मैं उसका बापा। ओह सॉरी, उमर का कमरा किस तरफ है? वहां पे जाइए, वो कमरा है उसका, ऊपर नहीं। क्या? एक बार फिर बताओ क्या बोला तुमने अंडरटेकर को? मैंने सिर्फ ये बोला है मैंने उमर की शादी पर डांस किया था और दूसरी पे भी करूंगी। इससे क्या हुआ है, पागल हो गया कि ये? यही समझ लो। अच्छा सुनो, तुम कब शादी कर रही हो? जब ये प्रपोज कर देगा। कौन प्रपोज करेगा भाई? तुम और कौन? वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम ये बताओ गाने कौन कौन से हैं? मैं उस पे करूंगी, सेकंड हैंड जवानी। हाँ वाकई अंडरटेकर के सामने इसी गाने पे परफॉर्म करना, बल्कि मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तेरी सेकंड हैंड जवानी, नाचो। नहीं चाहिए मुझे तेरी सेकंड हैंड, जब प्रैक्टिस करो ना थोड़ी। उमर तुम्हारे दोस्त इतनी जल्दी चले गए? वो अली आयजा को शॉपिंग के लिए लेके गया। अच्छा अच्छा सुने, आपकी टिकट बुक हो गई है, फलीमे के डिनर के वक्त आप एयरपोर्ट पर होंगी। ये मैं सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? उसका भी बंदोबस्त हो गया, मेरा एक दोस्त आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगा। उस वक्त तक जिंदा रहूंगी? कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। बस आप सीनियर हाशमी को अवॉइड मत कीजिएगा, ऐसी बातों से उन्हें शक हो जाएगा। उस घर में कोई डॉक्टर निसार है। डॉक्टर? किस चीज का डॉक्टर है? गायनेकोलॉजिस्ट। नंबर है? जी सर। हेलो, रिस्पॉन्ड नहीं करो, ट्राई अगेन। ठीक है, डॉक्टर निसार से मिलने। डॉक्टर निसार मुझसे बाहर चला गया है। कब गए? अभी 10 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। आपने बुलाया? ये डॉक्टर निसार कौन है?
He's a friend. He's a gynecologist. जिस बात का मुझे अंदेशा है, अगर वो सच हुई तो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। बात अगर धमकी की है तो मैं तैयार हूं। किस बात के लिए? ज्यादा से ज्यादा मरने के लिए। मगर मगर क्या? मगर जिस बात का आपको शक है उसे सच समझ लीजिए। बहुत से ऐसे काम है जो सीनियर हाशमी के अख्तियार में नहीं। मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, याद दिला रही हूं कि औलाद, रिस्क, जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में है। आपको मैं पहले भी कह चुकी हूं, इस मामले को उमर की शादी तक के लिए रोके रखिए। किसी और की तो आपको परवाह नहीं, अपने बेटी की खुशी को आग मत लगाइए। ऑफिस कैसा चल रहा है? ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है। मोनी ने तुम्हें इतने फोन किए, कहाँ गए थे तुम? आंटी बस वो मीटिंग्स में था इसलिए फोन कभी साइलेंट होता, पता नहीं चला होगा। मोनी खबीस आदमी, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम सारी जिंदगी में भूलोगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम मुझे बताओ कि इतनी बुढ़ी क्यों लग रही हो यार? तो मैं फोन कर करके बुढ़ी हो गई हूँ? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते थे? सीढ़ियों से फिसल गया था। अब मैं तुम्हें क्या बताता फोन पे कि मेरी टांग टूट गई है? वाकई? सीरियसली आंटी, बहुत बुरी तरह गिरा था मैं। शायद उसी दिन वो क्या नाम है, बिलाल आया था तुम्हारे पास। बिलाल उमर का असिस्टेंट? नहीं यार, कभी ज़ारा, कभी बिलाल, कभी वो खुद। आखिर मुझे जब भी पता चलता था मैं पीछे वाली सीढ़ियों से भागता था। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। बैठो। और सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम्हें खबर देनी है। कोई बुरी खबर नहीं देना प्लीज। तो सुना तुमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया? हाँ, तुम क्या बुरी खबर लाए? क्या काम कर रही? नोमी मोहिनी, मैं यहाँ एक हफ्ता लिया हूँ, आराम से बता दो। वो बोल तो नहीं गया? ड्रामे कर रहे हो। उसने मुझे फोन किया था एक बार नहीं, ऑलमोस्ट एवरी डे। बात की तुमने? नहीं। क्यों? तुम्हें पता है? मुझे पता है, लेकिन उसे तो नहीं पता। उसे भी अच्छी तरह पता है। क्या पता है? प्लीज, क्या हुआ है? उमर शादी कर रहा है। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे भूल सकता है नोमी? उमर हाशमी मुझे भूल सकता है मामा? राहत हाशमी ने उसे क्या बताया नोमी?
क्या बताया उसे कि मैं मर गई, डर गई या भाग गई? तुम खुद पूछ ले तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है कि वो शादी कर रहा है। कसूर हो या ना हो, तुम्हारी हिमाकत जरूर है। तुम्हें चाहिए था उसको ये सब कुछ बता देती। क्यों उसे बताने की जरूरत थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती? कितना यकीन था मुझे कि वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। कितना भरोसा था मुझे कि वो राहत हाशमी के किसी झूठ पर यकीन नहीं करेगा, मुझे तलाश करता हुआ यहां पहुंच जाएगा। पागलपन था तुम्हारा, वो तुम्हें फोन करता रहा, तुमने उससे बात तक नहीं की। क्योंकि उसी वादे के बदले राहत हाशमी ने उसका इलाज करवाया था मामा। खुदा के वास्ते तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो अपने बेटे की जान नहीं ले सकते थे, उसे अपाहिज होता हुआ नहीं देख सकते थे, हर हाल में इलाज करना था उसका। उमर मेरी वजह से साल को पहुंचा था मामा, मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, तो क्या उससे उसकी जिंदगी भी छीन लेती या उसे अपाहिज बना देती? तो अब क्यों रो रही हो? उमर खुश है, जिंदा है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मोहिनी, उमर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और अब तुमको भी आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो मैं सिर्फ मौत की तरफ बढ़ सकती हूँ। मैं कहता हूं उसे किसी ने समझाया, आसमां देखने को नहीं रोका। चलो मोहिनी ने कसम खाई थी या कोई फजूल कसम का वादा कर लिया था तो आसमां को तो कहना चाहिए था, वही फोन कर लेती उस अहमक तरीन लड़के को। शफुनाना, मोहिनी को डर था कि उमर का बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या क्या जान से मार देगा? यानी वो अपने लड़के को, यानी इकलौते लड़के को जान से मार देते? क्यों फजूल बातें कर रहे हो यार? अच्छा तो तुम मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ उस खबीस लड़के। तो थोड़ा बात कर लीजिएगा, लेकिन एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा होगा शफुनाना? कौन सी लड़की? जिससे उमर शादी कर रहा है। बात सुनो, मुझे सिर्फ मोहिनी की फिक्र है और किसी की नहीं। और आपको लगता है कि मोहिनी इससे खुश हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? नहीं होगी शफुनाना, मोहिनी को इस बात का दुख नहीं है कि उमर ने दूसरी शादी कर ली। दुख तो उसको इस बात का है कि मैंने अपने बाप की सारी बातों पर यकीन कर लिया है। मोहिनी को यकीन था कि उमर कभी भी अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं करेगा और उसे ढूंढता हुआ उसके पास चला आएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शफुनाना, मुझे नहीं लगता कि मोहिनी अब उससे मिलना चाहेगी। अच्छा खैर सुनो, कोई यहाँ से जाएगा नहीं ता वक्त के मोहिनी की तबीयत ना संभल जाए, ठीक? हमारे मोहिनी मिर्जा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम्हें अपना वादा भूल गया या दिल फिर से बेईमान हो गया? सर प्लीज, उमर कहाँ है? उमर का आज वलीमा है। उमर ने वाकई शादी कर ली? अरे आप अभी तक यहीं हैं, घर नहीं गई? चलिए अच्छी बात है, मैं आपके लिए कुछ लेके आया था। आप फिर कुछ पका लाए? जी हाँ, हलवा है और इसमें बादाम भी है जो कि आपके दिमाग और नजर दोनों के लिए मुफीद है। आपको मेरे दिमाग पर शक है या नजर पर? नहीं, ये मैं मोहिनी के लिए लाया था ताकि वो बेहतर फैसला कर सके। वो फैसला कर चुकी है। वो बेहतर फैसला नहीं है, ना उसके लिए ना आपके लिए, ना वो इस तरह जिंदगी गुजार पाएगी और ना ही आपको गुजारनी चाहिए। हद करती हैं आप दोनों, जिंदगी की जानिब हर खुलने वाले दरवाजे को बंद किए जा रही हैं आप। जुबैरी साहब, ना मैंने अपनी मर्जी से कोई दरवाजा बंद किया ना ही मोनी ने। ठीक है, मैं मान लेता हूं,
आप नहीं कर रही, लेकिन मोहिनी ने तो जो किया अपनी मर्जी से किया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त नहीं था, अब तो है। इसीलिए वो कराची गई है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको किससे मिलना है? क्या प्लीज मुझे बता सकते हैं कि उमर हाशमी की शादी का रिसेप्शन किस तरफ हो रहा है? आप ऐसा करें, हमारे मैनेजर से मिल मालूम कर लें। मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज मुझे बता दे कि उमर हाशमी का रिसेप्शन कहाँ हो रहा है। उमर की शादी हो चुकी है। तुम्हें देर हो गई या शायद शादी के कार्ड पर तुमने तारीख सही तरीके से पढ़ी नहीं। मैंने तारीख ठीक से पढ़ी है। प्रिंटिंग एरर हो। मोहिनी मिर्जा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम्हें अपना वादा भूल गया या दिल फिर से बेईमान हो गया? सर प्लीज, उमर कहाँ है? उमर का आज वली में है। उमर ने वाकई शादी कर ली? हाँ, उमर ने वाकई शादी कर ली है। अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि इस दुनिया में वाकई आप और आपके बेटे जैसे पत्थर दिल लोग भी हैं? यहां नहीं आती तो मेरी उम्मीदें कैसे टूटती? ना आती तो सच्चाई पर से ईमान कैसे उठता?
क्या प्लान था तुम्हारा? ये पूछे अब क्या प्लान है मेरा? अब भी प्लान बनाओगी? अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मैं पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं, मुझे उमर के अलावा कोई दूसरी औलाद नहीं चाहिए। डॉक्टर निसार से बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर सलिया मुल्क में नहीं है और जल्द वापस आएगी। She'll take care of this. अरे भाई वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज देर हो जाएगी, 3 गांव कवर करने। सिक्योरिटी का इंतजाम किया? नोमी तुम हो ना अभी यहाँ पे? हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मोहनी नाश्ता तो करती जाओ। मैं क्या करूँ इसका? मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आते ही साथ कैसे काम पे जा सकती है? ये बहुत मुश्किल वक्त है उसके लिए। मैं देख के आता हूँ। शफूरा ने ये मुझसे नहीं संभलेगी। बाज दफा दुख की शिद्दत से जहन सुन हो जाता है। शायद ये इलाज हो उसका। अस्मा मोहिनी नाश्ता तो कर लेती, एटलीस्ट जूस ही पी लेती। क्या देख रही हो? तुम्हें मालूम है ना आज मैं वापस जा रहा हूं। आप ठीक हैं? देखिए प्लीज रोइए मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये सब इतना आसान समझती थी। सिर्फ 10 मिनट का फासला था, एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट दूर था। देखिए आप डरिए मत, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हूं। चीजें जितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुझे वो कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। पता नहीं ये सब कुछ उनको किसने बताया। आपसे बात हो सकती है? हाँ बेटा आओ बैठो। आप जो प्रूफ करना चाहते थे आपने प्रूफ कर लिया। मैं वापस आपके पास आ गया और एक साल भी आपके बगैर नहीं गुजार सकता। देखो बेटा बाज़ूकात हकीकत जो है वो सामने होती भी है
लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक उसको एक्सपीरियंस ना कर लें। वैसे मुझे एक बात की खुशी है कि तुम में सच बोलने का हौसला पैदा हो गया है। लेकिन एक बात जो अब तक तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जानता हूं और वो सब भी जानता हूं जो आप समझते हैं मैं नहीं जानता। एक्चुअली इस लंबे कम्युनिकेशन गैप के दौरान तुमने मेरा नाम उन क्राइम्स के साथ भी मंसूब कर दिया जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट आई वांट टू क्लेरिफाई। तो मुझे भी नहीं पड़ता सर, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यू डोंट नीड टू क्लेरिफाई एनीथिंग। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक, क्या कहना चाहते हैं? मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस तरह घर पे नहीं बैठा जा रहा मुझसे। That's very good. मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है वैसे तुम्हें। तुम होटल के ऑफिस से काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू। वैसे बेटा एक बात याद रखना, जब मैं पाकिस्तान आया था मेरे पास कुछ नहीं, खाने तक को पैसे नहीं थे। कि जो कुछ बनाया है दिन रात की मेहनत है, 40 साल की मेहनत, इसको बर्बाद करने से पहले ये जरूर सोच लेना। एनीवेज ऑल द बेस्ट उमर हाशमी माय सन। क्या चाहती हो तुम? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हम क्या चाहेंगे मिसेस हाशमी? हमें तो कुछ भी चाहने का हक नहीं है। प्लीज मुझसे इन फिल्मी डायलॉग में बात मत करो। जो बात पूछी उसका साफ साफ जवाब दो और कम से कम लफ्जों में दो, वरना यहां से निकल जाओ। पूरी जिंदगी की कहानी पूछ रही है और चाहती है कि हम कुछ भी ना कहें। तुमने कहा था तुम यहाँ पे जॉब करने नहीं आई। जी, हम सीनियर हाशमी से मिलने आए थे, लेकिन उस दिन यहाँ पर इस जॉब के इंटरव्यूज चल रहे थे। राहत हाशमी से तुम्हारा क्या काम है? ये बात हम उनसे पहले और किसी को नहीं बताएंगे। तुम उनका फेवर लेने के लिए उनके लिए जासूसियां करती हो? जासूसी नहीं कर रहे हम, जॉब है हमारी। सीनियर हाशमी जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। तुम जानते हो? जानते हैं हम। आपको कदर नहीं है इस जगह की जो बिन मांगे मिल गई है, उस हैसियत की जो सीनियर हाशमी के दिल में है, इस छत की, इन चार दीवारियों की जो किस्मत वालियों को मिलती है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कदर नहीं है? कदर होती तो यहाँ से जाती नहीं आप। क्यों जाती, क्यों भागती अगर मैं यहाँ महफूज होती? तुम्हें क्या पता है कि अगर छत सीने पे आके गिर जाए तो क्या होता है? बेनाम मौत से वो मौत बेहतर है जो अपने घर की छत के नीचे आए। That's how my mother died. बगैर छत के, बगैर दीवारों के और बगैर किसी के नाम के। इससे कम लफ्जों में हम आपसे और कुछ नहीं कह सकते। जैसे हकीकत को तस्लीम कर लिया और कभी मुझे लगता है बिल्कुल पागल हो गई है। इस बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। एक लफ्ज भी नहीं। नोमी भी जा रहा है शायद आज या कल, बहुत मुश्किल से रोका है उसने। मैं आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, अपनी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस कर रही हैं। आज अगर मोहिनी के अब्बू जिंदा होते तो बड़े हाशमी साहब को भी निबट लेते और उसे भी समझा लेते।
आपका कहने का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही? अरे नहीं, मैंने कहा ना कि आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, और अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपकी तो अपनी उम्र अभी जिंदगी एंजॉय करने के लिए इंतहाई चीप सा लगूंगा अगर कहूँ कि मोनी का मसला सॉल्व होते ही आप भी शादी कर लीजिएगा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई इंडिसेंट बात नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 25 साल अकेले ही गुजारे हैं, और अब सोचता हूं कि मैंने अपने साथ बहुत ज्यादती की। आप अपने साथ ये ज्यादती ना कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। किसका इंतजार कर रहे हैं? कयामत का। कहीं कॉफी पीने चले? चलो। यहाँ आगे जगह है जहां से नीचे गांव में जलती हुई पत्तियां दिखाई देती हैं। मैं बत्तियां देखने नहीं आया हूँ। फिर भी देख लो, छोटी छोटी उम्मीदें दूर से दिखाई दे तो कितना अच्छा लगता है। मोहिनी, तुम इंसानों की तरह मेरी बात सुनोगी? तुमने वाकई जॉब छोड़ दी है या इतनी छुट्टियां लेकर आ गए कि वापस जाने का दिल नहीं जा रहा? अब तुम बदतमीजी कर रही हो। अरे हद हो गई, सीधी सी तो बात पूछी है तुमसे। मैंने भी तुमसे सीधी सी बात पूछी है, क्या तुम वाकई उम्र से तलाक ले रही हो? वो देखो, उम्मीद है छोटी छोटी झिलमिलाती हुई। बंद करो अपना ये पागलपन। छोड़ो मेरा बाजू। ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब तुम अपने इस पागलपन जिद और बदतमीजी से बाहर निकल आओ ना, तो मेरे बारे में जरूर सोचना। I love you. और आज से नहीं, पिछले 4 सालों से मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम रोई हो या ना रोई, लेकिन मैं जरूर रोई, एक बार नहीं 1000 बार रोया हूं, क्योंकि तुम तकलीफ में। बहुत आसान, अब बदला चाह रहे हो? तुम जो दिल चाहे बकवास सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस वक्त तुम ऐसे ही फजूल बातें कर सकते हो। क्यों हुआ? I'm just a caller. दिल चाहे तो बुला ले। सारा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुमसे शादी किस वजह से की थी। जिस वजह से भी की थी उमर, कर तो लीना। खुशियाँ इसी तरह बिन मांगे क्यों नहीं मिल जाती जैसे दुख मिलते हैं? मैंने कहा था कि खुशियाँ बहुत हो गई, अब दुख दे दो। मैं उमर के साथ टर्की शिफ्ट होना चाह रही हूँ। मोहिनी, सब कुछ माफ कर देगी अली, और शादी करना कभी माफ नहीं करेगी। कितनी अजीब सी बेबसी है मम्मी, मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ अगर नहीं कर पा रही। अगर वो दोबारा मोहिनी के पास गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।